बालोद जिले के गुंडरदेही नगर में देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ गया था। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए थे। बैंक में आए किसी के मुंह पर मास्क या रुमाल नहीं दिख रहा था, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं बैंक प्रबंधक द्वारा बैंक में लेन देन करने वाले ग्राहियों के लिए किसी प्रकार की बैंक के सामने छांव की व्यवस्था नहीं की गई है। इतनी तपती धूप में लोग अपनी बारी का इंतजार करते खड़े थे। कुछ बुजुर्ग भी थे जिन्हें धूप बर्दाश्त नहीं होने के कारण उनको आसपास दुकान का सहारा लेना पड़ रहा था। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक का भी यही हाल है। गुंडरदेही में लगातार बैंकों की संख्या बढ़ रही है और बैंकों में सुविधा नाम मात्र है। सिर्फ ग्राहकों को सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति करा रहे हैं। ना तो कोई बैंक सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं, ना ही ग्राहकों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। इस तरह की मनमर्जी बैंकों में देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर कार्यवाही की जरूरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक में तो प्रतिदिन यही स्थिति रहती है। बता दें, लेन देन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ना जाने ग्रामीण क्षेत्र में किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति या संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों से संपर्क हो तो गुंडरदेही बहुत जल्दी संक्रमण की चपेट में आ सकता है। दुख की बात तो यह है कि पुलिस भी इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।